राजनीतिक कलेश की हम कुंजी खोलते हैं। ये ऐसा कलेश है जो उत्तर भारत की गर्मी की तरह तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर दिन एक नया कलेश और नए नतीजे सामने आ रहे हैं। कुछ कलेश तो लंबे समय से चले आ रहे हैं और कुछ सरप्राइज पैकेज हैं, बिल्कुल नए, इसे आप ब्रांड न्यू कलेश भी कह सकते हैं। इनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, वो सब हो रहा है। सबसे पहले कलेश का मेन्यू देख लीजिए ध्यान से। इसमें पहले नंबर पर है अमेठी रायबरेली। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसका इंतजार ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले लोग अपने फ्लैट का करते हैं, यानी इंतजार लंबा, नतीजा जीरो। दूसरे कलेश में बहुत बड़ा सरप्राइज है, आज इंदौर की सूरत बदल गई। जो कांग्रेस के साथ सूरत में हुआ वो इंदौर में भी होता दिख रहा है, वहां बम की लोकेशन बदल गई है, इसे विस्तार से हम आपको समझाएंगे, बम याद रखिएगा ये शब्द। तीसरा कलेश पीएम उम्मीदवार को लेकर है। अमित शाह गृह मंत्री ने इंडिया गठबंधन की तरफ से हर वर्ष अलग अलग पीएम वाली अटकलों पर कटाक्ष किया और कहा कि देश कोई परचून की दुकान नहीं है। चौथा कलेश प्रजनन पर है, इसमें ओवैसी की एंट्री हुई है, वो मुसलमानों के गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड लेकर आए हैं, यानी चुनावी विमर्श अलग ही लेवल पर पहुंच रहा है। खैर, आज इन चारों कलेश पर सत्ता की कुंजी और स्पष्ट नजरिया होगा, लेकिन सबसे पहले बात अमेठी और रायबरेली की। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अमेठी रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। जल्दी कांग्रेस इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। कई दिनों से ऐसी अटकलें हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली के लिए चल रहा है। ध्यान दीजिए, यह अटकलें हैं, इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। TV9 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अभी तक ना तो राहुल गांधी ने और ना ही प्रियंका गांधी ने, दोनों में से किसी ने भी अपनी पारिवारिक सीट अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सहमति नहीं दी। राहुल गांधी का तर्क है कि वायनाड और अमेठी दोनों सीट जीतने पर वो जिस सीट को छोड़ेंगे वो गलत संदेश दिया जाएगा, वो गलत मैसेजिंग होगी। राहुल वायनाड इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि जब वो अमेठी से हार गए तो वायनाड ने जिताया, जबकि प्रियंका गांधी का कहना है कि परिवार के तीनों सदस्यों का संसद में एक साथ जाना ठीक नहीं रहेगा। क्षेत्रीय दल तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन हम राष्ट्रीय दल। आप कह रहे हैं कि माहौल बीजेपी के खिलाफ है, जनता नाराज है, तो इसके बावजूद राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से लड़ने से कतरा क्यों रहे हैं? बीजेपी कह रही है भाग रहे हैं हारने के डर। भाग नहीं रहे, उन्होंने कहा है, उनको पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय 15 मार्च को यह सवाल पूछा गया था। मैं वही उनका जवाब दोहराऊंगा कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, जो CEC तय करेगा मैं उसका पालन करूंगा। CEC ने परसों PCEC की बैठक हुई, सारे सदस्य ने कहा राहुल जी को अमेठी से लड़ना है और प्रियंका जी को रायबरेली से लड़ना है। वो उनकी CEC की भावना उन्होंने प्रकट की, सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की, अपना विचार सामने रखा और मैं समझता हूँ एक दो दिन में निर्णय सुनाया जाए, दे देंगे। और आप अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि संगठन चाहता है कि राहुल जी वहाँ से लड़े, प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, जवाब है हाँ, हम लोग सब चाहते हैं। संगठन में नई ऊर्जा आएगी, नई उत्साह होगी और न केवल यूपी के कांग्रेस पर सारे देश भर में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी चाहती है। अरे वहां की जनता चाहती है। जब मैं अमेठी में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, लोग मुझे कह रहे थे 2019 में हमसे गलती हो गई, अभी इस बार राहुल भैया को यहीं से लड़ाइए। इतनी देरी क्यों, कोई घबराहट? कोई घबराहट नहीं, सही वक्त पर निर्णय लिया जाएगा। कोई घबराहट नहीं है, कोई भोखलापन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डर नहीं है। वैसे अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच दो बार मुकाबला हुआ है और मामला एक एक से टाई है। 2014 का पहला मुकाबला राहुल गांधी ने जीता था, उन्होंने स्मृति ईरानी को 1,07,903 वोटों के अंतर से हराया था। 2019 में दूसरे मुकाबले में स्मृति ईरानी ने पुराना हिसाब बराबर कर दिया और राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया। हालांकि 2014 से 2019 के पुराने नतीजे से 2024 का मुकाबला तय नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में ज्यादातर समय राहुल गांधी अमेठी से दूर ही रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिला। 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उन्हें 4,13,000 से ज्यादा वोट मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अमेठी लोकसभा के तहत आने वाले इलाके में सिर्फ 1,43,000 वोट मिले, यानी 3 साल में कांग्रेस के वोट 2,70,000 कम हो गए। ऐसे में राहुल गांधी के लिए अमेठी से लड़ना आसान फैसला नहीं होगा। वैसे भी अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं।
और इनमें से 2022 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने पर सहमति दे रहे हैं या नहीं, लेकिन बीजेपी पूरी तैयारी से जुटी हुई। आज स्मृति ईरानी ने अमेठी से नामांकन दाखिल किया और इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद थे। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया जिसमें काफी भीड़ थी। अगर ऑप्शन है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आपको क्या लगता है कि स्मृति किसके साथ चुनावी मुकाबले में थोड़ा पीछे पे रहेंगी? प्रत्याशी कौन रहेगा ये कांग्रेस का विषय मेरा विषय है नहीं। मेरा बस विषय ये है कि जो भी प्रत्याशी आए कांग्रेस का वो हारेगा। आपको अपना हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैंने 1,14,000 घर बनवाए, 4,00,000 घरों में शौचालय बने, 3,50,000 घरों में नलके का कनेक्शन है, 1,50,000 घरों में पहली बार विद्युत का कनेक्शन है, 4,20,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिली, गोमती नदी के ऊपर पुल बना, 262 गाँव में पहली बार पक्की सड़क बनी, AK-203 राइफल की फैक्ट्री, उसके माध्यम से अब तक 27,000 फैक्ट्री की राइफल्स भारत की सेना को डिलीवर हो चुकी हैं। अचानक से ये बात कि मंगलसूत्र फिर गोकसी, नहीं नहीं बीजेपी की तरफ से चीजें कही जा रही कांग्रेस के मन। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाले का मैनिफेस्टो देते हुए ये कहा है कि हम सिर्फ एक धर्म विशेष को पब्लिक वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। विजिलेंस का रूल और कानून ही कहता है आप गुणवत्ता के आधार पर काम देते हैं, किसी के धर्म या जाति को देख कर नहीं देते। अब तक शायद ये चर्चा में विषय नहीं आया होगा, आप जाकर उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, आपको उसमें मुस्लिम लिख के निश्चित रूप से छाप मिलेगी। अगर कांग्रेस पार्टी इतना कॉन्फिडेंट होती अपने नेतृत्व के बारे में तो राहुल गांधी को डिक्लेयर कर देती, उनको किसने रोका है। तो कांग्रेस पार्टी खुद जानती है कि राहुल गांधी को डिक्लेयर करना, जैसे ममता जी ने कहा, हार को निमंत्रण देना है। तो जिनकी अलायंस के नेता ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब नाकाम पॉलिटिक्स का एक संकेत, तो आप हमारे ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? पहले आपको ममता जी से चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कलेश नंबर दो की। सोचिए, शादी हो रही हो, बारात आ चुकी हो, मंडप में मंत्र पढ़े जा रहे हो और अचानक दुल्हन गायब हो जाए, उसकी लोकेशन ना मिले। सोचिए ऐसे में घर वालों की क्या स्थिति होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आखिरी समय में नॉमिनेशन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कल तक जो बम कांग्रेस में थे आज उनकी लोकेशन बदल गई है और नई लोकेशन कांग्रेस की नेटवर्क रेंज से बाहर है। और ये जो इंदौर में हुआ वो कांग्रेस के साथ सूरत में भी हो चुका है। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नॉमिनेशन खारिज हो गया था, बाकी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, तो बीजेपी के उम्मीदवार को बिना लड़े ही जीत मिल गई थी। ठीक इसी तरह इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नॉमिनेशन वापस ले लिया, जिसके बाद उनकी एक सेल्फी वायरल होने लगी। इसमें वो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक कार में बैठे। कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम का बीजेपी में स्वागत है। इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए, नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल दिन आखिरी था। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। यह घटना कांग्रेस के लिए काफी शॉकिंग है। सोचे उम्मीदवार ही पार्टी बदल ले रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उसके उम्मीदवार को डराया जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित है। एक बार बयानों की ये रील देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके है, कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते।
उनमें दम नहीं बचा, क्योंकि बहुत सारे पानी गंदा पानी है, हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हुई हो। उनके ऊपर हत्या का एक नया आरोप लगाया बीजेपी ने, क्या प्रेशर बनाया मुझे नहीं पता है। ऐसे तो कोई अपना विड्रॉ नहीं करता है नॉमिनेशन और चला नहीं जाता है। लेकिन एक बात ये सच है कि जब हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तो ये लोकतंत्र का चीरहरण है। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की निर्लज और घटिया राजनीति है जो अक्षय बम ने किया है। ये निर्लजता, घटियावाद और धोखे की पराकाष्ठा है, और मैं लिख कर दे रहा हूं आपको कि इनका कोई भविष्य नहीं है। उनका कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है, ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर प्रदेश के अंदर बने हैं। एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की, और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फार्म निकलवा लिया गया।